हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर। तो मैंने ले लिया एक बड़ा चम्मच धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च ले ली है, दो लौंग, एक बड़ी इलायची, दो सफ़ेद इलायची ली है, एक चम्मच सौंफ और एक ही चम्मच जीरा लिया था, दो साबुत लाल मिर्च ले ली थी। और अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई पैन में गरम कर लेंगे। थोड़ा सा इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, जैसे ब्राउन में हो जाए। गैस की जो फ्लेम है बिल्कुल लो रखी है मैंने। ये देखिए जो मेरा मसाला जो है बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है ये। इसका जो कलर है बिल्कुल चेंज हो गया है। अब मैं इसको अलग से सेपरेट प्लेट पे निकाल लेती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद मैं इसको पीस लूँगी। अब एक फ्राई पैन में मैंने एक बड़ा चम्मच तेल ले लिया है और दो रफली चॉप मैंने प्याज कर लिए हैं। इसको थोड़ा सा भुनने के बाद जैसे थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाए, इसके साथ मैं डाल दूंगी लहसुन 4 से 5 कली। अगर आप खाते हैं तो आप डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और इसमें डाल दिया अदरक मैंने। अब इसको मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा मैं ब्राउन होने दूंगी। ये देखिए जो प्याज है ब्राउन हो गए हैं मेरे। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी दो बड़े बड़े टमाटर जो मैंने इसको रफली काट लिए थे। और इसके साथ मैं डाल दूंगी 5 से 6 काजू। काजू अगर आप चाहते हैं तो आप इसको भिगो भी सकते हैं, पहले अलग से इसका पेस्ट बना सकते हैं, पर मैंने इसको टमाटर के साथ ही डाला है ताकि टमाटर साथ भी सॉफ्ट हो जाते हैं। देखिए टमाटर जो है मेरे अभी थोड़े सॉफ्ट नहीं हुए हैं। इसको मैं अभी थोड़ी देर देख रही हूँ कि सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इसको मैं फिर दोबारा से ढक दूंगी सॉफ्ट होने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए। अभी देखिए टॉप मेरे टमाटर है बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसको भी अलग से निकाल लूंगी। और ये जो मैंने मसाला भुना था इसको जो ब्राउन कलर किया, इसके मैं मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी ताकि पीसने में दिक्कत ना हो। और ये जो बड़ी इलायची है इसके अंदर का पार्ट्स मैं निकाल लूँगी और ऊपर के छिलके को मैं उतार दूँगी। ये मसाला जब पीसते हैं तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कढ़ाई पनीर में। सभी के बीज मैं निकाल लूँगी क्योंकि एकदम मेरे को स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका। ये देखिए कितना बारीक से मैंने पीस लिया है इसे। इस मसाले के डालने के बाद खासियत ये थी कि इसके अंदर गरम मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अलग से। और वो जो मैंने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था इसको भी मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि जो इसका बैटर है वो एकदम स्मूथ बने। ये देखिए कितना अच्छा मेरा पेस्ट बन गया इसका। अब मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैंने पैन डाल दिया है ऑयल। आपको इसको रिच लुक बनाना है तो आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं। अब मैंने डाल दिया 1 तेज़पत्ता और 2-3 मैंने हरी मिर्च डाली है। जो हरी मिर्च के जो बीज है वो मैंने निकाल दिए थे। अब से 1-2 मिनट थोड़ा सा मैं भूनूंगी इसको मैं मीडियम फ्लेम में ही। थोड़े से पकाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच लाल मिर्च डाली है और आधा चम्मच ही मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पाउडर। अब इसको भी थोड़ा सा मैं भून लूंगी। फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखनी है। ये भी 2-3 मिनट के लिए भूनूंगी मैं इसको भी, ज़्यादा देर नहीं भूनना है इसको। और जो मैंने पेस्ट बनाया था वो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी।
जिस जार में मैंने इसका पेस्ट बनाया था उसी से मैंने लगभग आधी कटोरी पानी ले लिया था और उसको मैंने इसमें डाल दिया है ताकि जो मसाले हैं वो नीचे लगे नहीं। और इसकी गैस की जो फ्लेम है मैंने मीडियम रखी हुई है और अब मैं इसको ढक दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए। एक बार फिर चला के देख लेती हूँ मैं। इसको थोड़ी देर और पका लेती हूँ मैं ऐसी। और ये मैंने बड़ा प्याज ले लिया है, इसको क्यूब्स में काट लिया चकोर चकोर में। और शिमला मिर्च भी मैंने सेम चकोर पीस में काटा है, इसके जो बीज है वो मैंने निकाल दिए हैं। और जो पनीर है उसको भी मैंने चकोर पीस में काटे हैं, बड़े बड़े क्यूब्स में काटे हैं, इसको छोटे में ना काटे, बड़े में ही काटे इसे। मसाला जो है मेरा लगभग पक चुका है अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी और साथ ही साथ प्याज भी डाल दूंगी। अब मैं इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख दूंगी मीडियम फ्लेम में ही 5 से 7-10 मिनट तक। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, प्याज और शिमला मिर्च को मतलब ज़्यादा गलाना नहीं है, इवन थोड़ा क्रंची टाइप में रहे, तो इसलिए एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि ज़्यादा गले तो नहीं है। और इसमें मैंने डाल दिया 1/2 चम्मच कस्तूरी मेथी। और इसके साथ डाल दूँगी नमक, नमक जो है स्वाद अनुसार डालिएगा। अब अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसके अंदर मैं। कस्तूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए फिर ढक दूंगी, बीच बीच में चलाते रहूंगी। अब ये जो मसाला जो मैंने इसका पीसा था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब अच्छे से एकदम मिक्स कर दूंगी मैं इसको, मीडियम फ्लेम में ही रखनी है आज, ना ज़्यादा हाई रखनी है ज़्यादा लो नहीं रखनी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी पनीर साथ में। अब इसको लो फ्लेम पे के लिए मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी 5 मिनट के लिए। और ये देखिए सब्जी जो है अभी लगभग पक चुकी है अच्छी तरह से। और मैं इसमें डाल दूंगी दूध की मलाई, या आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और इसे मैंने डाल दिया धनिया ऊपर से गार्निश करने के लिए। और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इस तरह से एक बार बना के देखिएगा, आपको बहुत स्वाद लगेगी कढ़ाई पनीर। और इसको अब मैं एक सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके बाय।